यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें यूथ कॉर्नर। मैं शिवकुमार प्रजापति। जनपद आजमगढ़ के सरायमीर में मिशन प्रेरणा महोत्सव जन जागरण पद यात्रा निकाली गई। आपको हम बताते चले, प्राथमिक विद्यालय द्वितीय सरायमीर आजमगढ़ में मिशन प्रेरणा महोत्सव जन जागरण पद यात्रा कार्यक्रम को डायरेक्ट प्राचार्य श्री अमरनाथ राय, विद्यालय के प्रधानाचार्य अभिमन्यु यादव, ग्राम प्रधान पंकज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पद यात्रा मेन रोड होकर पुलिस बूथ तक जाने के बाद पुनः विद्यालय परिसर में वापस हुआ। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ। मंच के माध्यम से शिक्षा से आधारित गीत व नाट मंचन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्य अतिथि सूर्य नारायण यादव, डायट प्राचार्य अमरनाथ राय, गोरखपुर से क्षेत्रीय मंत्री सहजानंद राय, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव मंडल अध्यक्ष, अनुपम पांडे, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी, नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी रंग बहादुर सिंह, अजय पांडे, विद्यालय के सदस्य राजेश यादव, शैलेश प्रजापति, विद्यालय परिवार के अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्मा, जिला सहकारी बैंक फरिया के डायरेक्टर श्री वासुदेव यादव, समस्त सम्मानित नागरिक ग्रामवासी उपस्थित रहे। समापन कार्यक्रम का राष्ट्रगान के साथ समाप्त हुआ। आजमगढ़ ब्यूरो नीरज प्रजापति की रिपोर्ट। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस मंच के माध्यम से। अभी
कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा की जा रही है। मैं चाहूंगा विद्यालय परिवार से कि सर को मंच तक लेकर अपना परिचय दीजिए सर। मैं अमरनाथ राय प्लाजा डाइट आजमगढ़ जी। सर ये जो आज का कार्यक्रम भव्य रखा गया है इसका कुछ उद्देश्य बता दीजिए सर। ये मिशन प्रेरणा के तहत हम जो प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो 6 से 14 वर्ग के बच्चे हैं, फिलहाल तो 6 से 11 वर्ग वालों के लिए ये पूरी तरह से केंद्रित है, उसमें उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। सारे बच्चे जो हमारे टारगेट ग्रुप के हैं हर ग्राम पंचायतों के ग्राम सभाओं के, वो हमारे विद्यालय पर आए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। और ये कोई कार्यक्रम रखा नहीं गया, यह स्वतः स्फूर्त कार्यक्रम पूरा गांव वालों के लिए, पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से, हमारे शिक्षकों की तरफ से यह स्वतः स्फूर्त एक कार्यक्रम है और जिसमें हम एक भागीदार के रूप में है। ये सारा श्रेय जो है इस पूरे ग्राम सभा को है, इस ग्राम पंचायत को, इस पूरे क्षेत्र को है, जहाँ के जो है यहाँ के संगठन के लोगों को है, जिन्होंने इस तरह से हम लोगों के प्रयासों में कदम से कदम मिलाकर के एक कदम आगे चलने का निर्णय ले लिया है। और मुझे लगता है कि ये जो भारत और उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे शासन और हमारे शिक्षा विभाग की जो एक मंशा है कि इसे जन आंदोलन बनाया जाए, तो हमारे जनपद में जन आंदोलन बन चुका है और निश्चित ही हम अपने जनपद को सबसे पहले प्रेरक जनपद बनाने में कामयाब। सरायमीर विद्यालय पर आज का यह कार्यक्रम है। भाई अब मनु जी के द्वारा डायरेक्ट प्रचार जी और यहाँ के स्थानीय लोगों के अध्यक्षता से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हुआ है। मैं इतना जानता हूँ कि विद्यालय में बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको ये जागरूक करने का काम विद्यालय की तरफ से हो रहा है, ताकि जो भी बच्चे जागरूक नहीं है या जो पढ़ नहीं रहे उनको शिक्षा के माध्यम से उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको शिक्षा दिया जाए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश यादव है, मैं समाज सेवी नगर पंचायत सरायमीट से और मंडल उपाध्यक्ष नगर पंचायत सरायमीट से। शैलेश प्रजापति, इस विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष मैं हूँ और इसमें इस कार्यक्रम मिशन प्रेरणा के तहत जो हमारा मार्च निकला था पुलिस बूथ से होते हुए इस अपने प्रांगण में हम लोग लेकर आए हैं। हमारा जो मकसद है शिक्षा को जागरूक करना, जो प्रेरणा मिशन ऐप है उसके बारे में अभी हमारे यहाँ मुख्य वक्ता लोग आए हैं, अभी इसकी भरपूर जानकारी देंगे। जय हिंद जय भारत। राजनगर के अध्यक्ष और हमारे बगल में हमारे उपाध्यक्ष अनिल सेठ जी, हमारे विद्यालय के और हमारे प्रबंधक संतोष जायसवाल जी। मिशन प्रेरणा के तहत हमारे स्कूल में भी सूचना दी कि हमारे बच्चे जो बैंड का प्रोग्राम किए हैं, मिशन प्रेरणा के तहत हमने भी बच्चों का प्रोग्राम आपके सामने रखा है और इसका मेन उद्देश्य है समाज में जागरूकता को लाना। जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं या किसी कारण नहीं आ रहे, हमारी समाज की एक जिम्मेदारी है उन बच्चे को हम विद्यालय तक कैसे पहुंचाए, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। अगर ये दायित्व सभी लोग निभाएंगे तो हमारा ये उद्देश्य जो है प्रेरणा का सक्सेस हो जाएगा और हमारे हिंदुस्तान को जो हम आगे विश्वगुरु बनाना चाहते हैं उसमें हम एक भूमिका अपनी अदा कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत। मैं आवाज देना चाहूंगा विद्यालय परिवार सहित हमारे चीफ गेस्ट और मुख्य अतिथि सभी लोगों को
हमारी शासन की मंशा है कि प्राथमिक विद्यालय उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा आगे का कार्यक्रम में प्रारंभ हो। पूरी टीम मेहनत और समय को ध्यान रखते हुए हम लोगों के कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए। चलिए बढ़िया गति कीजिए और इसके बाद कार्यक्रम सुनिए। सबसे पहले तो मैं सरायबीर स्कूल और अभिमन्यु सर सहित इस पूरे ब्लॉक को बधाई देना चाहती हूँ और उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि आपने ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया। ऐसे कार्यक्रमों से स्वतः ही हम सभी प्रेरित होते हैं और हम सभी में ऊर्जा का संचार होता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि अब बच्चे हमारे स्कूलों पर मतलब अब आना शुरू हो गए, तो अब हम लोगों का उद्देश्य है जिसके लिए ये सारी कवायद चल रही है, ये सारे आयोजन हो रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं, अब हम इन सबों को अपने व्यक्तिगत स्तर के प्रयासों के साथ लेकिन एक टीम भावना के साथ इसे धरातल पर उतारे जिससे प्रेरक ब्लॉक होते हुए हमारा जनपद प्रेरक जनपद बनने की ओर अग्रसर। धन्यवाद। मंडल उपाध्यक्ष सरायवीर, इस प्रेरणा मिशन के माध्यम से इस पूरी संगठन की टीम को पहले तो धन्यवाद देता हूँ और हमारे इस जिले के डायट प्राचार्य अमरनाथ राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अभिमन्यु जी को जो यहां के प्राचार्य हैं प्राथमिक विद्यालय द्वितीय के, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को इस लेवल तक पहुंचाया जिससे हमारा जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम रूप से प्रेरणा के रूप में यहाँ दर्ज हो और हम लोगों का संगठन भरपूर प्रयास कर रहा है कि जिससे यह कार्यक्रम जन जन तक पहुँच सके। धन्यवाद। मैं अभिमन्यु यादव। यह कार्यक्रम मिशन प्रेरणा के तहत रखा गया है कि मिशन प्रेरणा के उद्देश्यों को हम जन जन तक पहुंचा सकें और आजमगढ़ जनपद को हम सबसे पहले पूरे प्रदेश में प्रेरक जनपद बना सकें। और यह मार्च प्राथमिक विद्यालय सरायमीर द्वितीय से पुलिस बूथ तक निकाला गया और इसका उद्देश्य यही था कि सभी लोग जागरूक हों और हम लोग तो एक ध्रुव पे काम करते ही हैं और जब गार्जियन दूसरे ध्रुव पे काम करने लगेगा तो हम निश्चित ही उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे जो हमारी सरकार का उद्देश्य है और जो इसी उद्देश्य से ही प्राप्ति के बाद ही हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। बताइए। मैं पिया राय, प्राथमिक विद्यालय सराय में सहायक अध्यापक। ये मिशन प्रेरणा का मार्च निकाला गया था और इसके लिए यहाँ की जनता को, यहाँ के अध्यक्ष जी को, प्रधान अध्यापक को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ और साथ में हृदय परिवार की तरफ से डायट प्रचार परिवार को देती हूँ। और इसका मेन मकसद छोटे बच्चे हैं, गांव में अभी कमियां पड़ने जा रहे हैं, जो कमियां हैं उनको हम लोग दूर किया जाए और शिक्षा को आगे जनपद लाल, उसके बाद हम लोग शिक्षित विश्व का हम लोग एक शिक्षित विश्व।